रिमेम्बर दिस फोन OnePlus Note CE 3 Lite? इसी का नेक्स्ट जेन का फोन आने वाला है OnePlus Note CE 4 Lite. अगले महीने यानी जून में लॉन्च होगा अलॉन्ग विद Note 4. देखो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको सर्टिफिकेशन दे दिया, तो इसका मतलब फोन अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगा. लेकिन चाइना में ये फोन जरूर लॉन्च हुआ है. ओप्पो ने लॉन्च किया है A12X के नाम से, उसी को रीब्रांड करके इंडिया में भी लॉन्च कर देंगे. अब देखो लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड्स नहीं आएंगे फोन में, इम्प्रूवमेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. तो वीडियो को एंड तक देखो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल. सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे तो बहुत हद तक सिमिलर डिजाइन ही है नॉट CE 3 लाइट जैसा, वही डुअल कैमरा सेटअप है. बस जो फ्लैश लाइट बाहर की तरफ होती थी उसको कैमरास के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है. बाकी जो बैक पैनल है बॉक्सी है नॉट CE 3 लाइट की तरह ही, और वही दो सेम कलर्स में अवेलेबल है जिसमें नॉट CE 3 लाइट अवेलेबल था. अब देखो जो नॉट CE 4 लाइट का डिजाइन है ना, वो मुझे बहुत सिमिलर लग रहा है कौन से वाले फोन से, नॉट CE 4 से. तो मुझे ओवरऑल कोई बहुत मेजर चेंज डिजाइन में लगा नहीं. डिस्प्ले हल्का सा छोटा कर दिया है दोस्तों, इस बार इसको 6.67 इंचेस का कर दिया गया है. बाकी मैं आपको बता दूं कि AMOLED डिस्प्ले आएगा इस बार, तो ये अपग्रेड मान सकते हैं हम, पिछले वाले में LCD डिस्प्ले होता था. इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं, फ्लैट डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट एटसेट्रा, सब सेम है. और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आ सकता है. देखो यहाँ भी ना एक मार्जिनल अपग्रेड है, Snapdragon 6 Gen 1 आने वाला है नॉट CE 4 लाइट में. बाकी 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है. एक 12GB का वेरिएंट भी अवेलेबल है, विच इज वेरी सिमिलर जो पिछले वाले में भी अवेलेबल था. बाकी ऑक्सीजन OS बेस्ड ऑन Android 14 विल बी अवेलेबल, और 2 साल के आपको OS अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स. तो देखो आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो पिछले वाले से तो अपग्रेडेड है, बट दिस इज आर स्टैंडर्ड, मतलब पिछला वाला 13 था तो अब 14 एक साल बाद देना ही पड़ेगा. बैटरी को 500mAh बढ़ा दिया गया है, पिछले वाले में 5000mAh था, इस वाले में 5500mAh कर दिया गया है. बाकी आपको चार्जर में भी अपग्रेड मिलेगा, पिछले वाले में आपको 67W का चार्जर मिलता था, इस बार आपको 80W का चार्जर मिलने वाला है. इसको हम ठीक ठाक अपग्रेड कंसीडर कर सकते हैं. अब देखो कैमरा आपको 50MP मेन कैमरा, आपको सेकेंडरी 2MP और आपको सेल्फी शूटर 16MP का मिलेगा. देखो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा, क्योंकि पिछला वाला जो फोन था उसमें 108MP का मेन कैमरा था, लेकिन रियलिटी क्या है वो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा जब फोन हमारे पास आएगा, क्योंकि कई बार सेंसर्स बहुत ही अलग होते हैं, उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं. नॉट CE 4 लाइट 20,000 के प्राइस रेंज पर ही लॉन्च होगा, विच इज वेरी सिमिलर टू नॉट CE 3 लाइट, वो भी 20,000 के प्राइस रेंज पर ही लॉन्च हुआ था. देखो मुझे लगता है कोई बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है, आपको बस स्लाइटली बेटर डिस्प्ले दे दिया, AMOLED कर दिया गया है, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर चिपसेट है और बैटरी हल्की सी बढ़ा दी गई है. प्राइस भी सेम ही रखने वाले हैं, लेकिन दिस कैन बी अ गुड परचेज अगर आप 2-3 साल पुराना कोई एंड्रॉयड यूज कर रहे थे, या फिर आप OnePlus Note CE 2 Lite यूज कर रहे थे, देन इट कैन बी अ गुड अपग्रेड फॉर यू. अदरवाइज कोई बहुत मेजर अपग्रेड ये नहीं होने वाला है. अगर आपको OnePlus से ऐसा कोई लगाव नहीं है और आप दूसरे फोन्स भी यूज करते हो, तो आप Motorola Edge 50 Fusion भी चेकआउट कर सकते हो. इनफैक्ट नथिंग फोन 2A फॉर दैट मैटर, इन दोनों के स्पेक्स आपको स्लाइटली बेटर मिलेंगे. हालांकि फोन 2-3 हजार महंगे हैं, लेकिन आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा. देखो इतना ही था इस लीक्स वीडियो में, बाकी आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द फोन, एंड कीप वॉचिंग एट द टाइम्स. दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.